अमित से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। एक गुरु जिनके नाम में तलवार थी, एक गुरु जिन्होंने एक समुदाय की बागडोर संभाली जब देश का राजा उनका दुश्मन बन गया था। एक गुरु जिन्हें हिंद की चादर कहा गया, जो चादर की तरह फैल गए लेकिन झुके नहीं। अंत में चाहे इसके लिए उन्हें सर कलम क्यों न कराना पड़ा हो। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर की। ये कहानी शुरू होती है साल 1664 से। सिख धर्म गुरु गुरु हरकिशन के चेचक की जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। तब 7 साल की उनकी उम्र है, लोग परेशान हैं, अगर गुरु को कुछ हो गया तो उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ गुरु ही दे सकते थे। गुरु के मुंह से निकला, बाबा बसे जे ग्राम बिकाले, यानी जो बाबा बकाला गांव में बसे हैं वो आपकी अगुवाई करेंगे अब आगे। सवाल का जवाब तो मिल गया लेकिन अधूरा मिला। बकाला में रहने वाले थे सैकड़ों लोग, उनमें से कौन। उधर बकाला में जैसे ही ये बात फैली कि अगला गुरु इसी गांव से होगा, बहुत से लोग दावेदारी के लिए खड़े होने लगे। एक दिक्कत और भी थी, गुरु रामदास के वक्त से सिख धर्म के गुरु सोढ़ी वंश से आते थे। बकाला में सोढ़ी वंश के कई लोग पहले से रह रहे थे, लेकिन गुरु हरकिशन की घोषणा के बाद इनकी संख्या में और भी इजाफा होने लगा, क्योंकि लोग क्लेम करने लगे। जब दूसरे गांव के सोढ़ी लोग भी बकाला में आकर रहने लग गए, कई दिनों तक कन्फ्यूजन का माहौल बना रहा। आखिर में बात साफ हुई, कैसे ये जानने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1644, गुरु हरगोविंद ने अपने बाद पोते हरि राय को अगला गुरु घोषित किया, जो गुरु हरगोविंद के सबसे बड़े बेटे बाबा गुरदित्ता के बेटे थे। ठीक इसी समय दूर दिल्ली में एक और खेल चल रहा था, शाहजहां के दो बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हुई। सिखों के गुरु हरि राय दारा शिकोह के समर्थक थे, लेकिन दारा शिकोह तो हार गया इस लड़ाई में। औरंगजेब ने अपने पिता से सत्ता हथिया ली क्योंकि, और इसके बाद चुन चुनकर अपने दुश्मनों को उसने निशाना बनाना शुरू किया। गुरु हरि राय भी निशाने पर आए। इस तरह हरि राय की उम्र तब महज 31 साल थी, युवा थे। मौत से पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे हरकिशन को अगला गुरु घोषित किया, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी तब। मैक्स ऑर्थर मैकालिफ अपने किताब सिख रिलीजन के 4th वॉल्यूम में बताते हैं कि जब गुरु हरकिशन दिल्ली में थे तब अचानक चारों ओर चेचक और हैजा फैलने लगा। जब लोगों को मालूम पड़ा कि गुरु हरकिशन यहीं है तो लोग उनके पास पहुंचे। इलाज के लिए उन्होंने लोगों से कुएं में नहाने को कहा। मैकालिफ लिखते हैं कि जो भी उस कुएं में नहाया वो ठीक भी हुआ, लेकिन इसके बाद गुरु हरकिशन को ये बीमारी हो गई। उनकी तब उम्र महज 7 साल की थी। चूंकि इस उम्र में उनका कोई वंशज नहीं था, इसलिए उत्तराधिकार के सवाल पर गुरु हरकिशन ने बाबा बकाला का जिक्र किया। बकाला उनके परदादा गुरु हरगोविंद का पैतृक गांव था। हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज रिटोल्ड में सुरजीत गांधी ने लिखा है कि जब गुरु हरगोविंद अपने आखिरी दिनों में थे तब वे वापस बकाला जाकर रहने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी माता नानकी, सबसे छोटे बेटे तेग बहादुर और बहू भी थे। गुरु हरगोविंद के देहांत के बाद भी तेग बहादुर वहीं रहते रहे। उनके बकाला में रहने के दौरान ही एक वाकया हुआ। सिख धर्म की मान्यता के अनुसार दरअसल उन दिनों बाबा माखन शाह लबाना नाम के एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे। एक बार उन्हें जानलेवा बीमारी हुई। उन्होंने मुराद मांगी कि अगर मैं इस बीमारी से बच जाऊं तो गुरु को 500 सोने के सिक्के दान दूंगा। कुछ वक्त बाद यूं हुआ कि बाबा माखन शाह ठीक भी हुए, उन्हें अपना वादा याद आया, लेकिन दिक्कत ये थी कि गुरु हरकिशन तब तक चल बसे थे। अगले गुरु की पहचान साफ नहीं हुई थी, सो बाबा माखन ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। वो बकाला गए और जितने लोग खुद को गुरु बता रहे थे सबके पास पहुंचे। वो जिनके पास जाते उसे केवल 2 सोने के सिक्के दे देते। स्वघोषित गुरु उसे कबूल कर लेते और बाबा माखन विदा ले लेते। और बाबा माखन को पता चला कि बाबा तेग बहादुर भी बकाला में है। मोहिंदर कोहली ने अपनी किताब गुरु तेग बहादुर टेस्टमनी ऑफ कॉन्शियंस में इस किस्से का जिक्र किया। कोहली लिखते हैं, माखन शाह लबाना बाबा तेग बहादुर के पास पहुंचे और उन्हें 2 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने बाबा लबाना को आशीर्वाद दिया और कहा, ये उन 500 सिक्कों से कम है जिनका आपने वचन दिया था। ये सुनते ही माखन शाह लबाना उत्साहित हो गए, छत पर चढ़ गए और जोर से चिल्लाने लगे कि गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, यानी गुरु मिल गए। अगस्त 1664 में एक टोली बकाला पहुंची। इस टोली की अगुवाई दीवान दरगाह मल कर रहे थे, जो गुरु हरकिशन के एक परम भक्त के बेटे थे। इस टोली ने बाकायदा रीति रिवाजों के साथ औपचारिक तौर पर गुरु तेग बहादुर को 9वें सिख धर्म गुरु के रूप में स्वीकार किया।
गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 में माता नानकी और गुरु हरगोविंद के घर में हुआ था। उनका शस्त्र कौशल बड़ा शानदार था। वो सिद्धांतों का पालन करने वाले एक बेबाक योद्धा थे। गुरु तेग बहादुर ने अपना बचपन अमृतसर में भाई गुरुदास और बाबा बुढ़ा की सरपरस्ती में बिताया, जहाँ भाई गुरुदास ने उन्हें गुरुमुखी, हिंदी और संस्कृत के साथ साथ भारतीय दर्शन सिखाए। वहीं बाबा बुढ़ा उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाते थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल रखा गया था, लेकिन करतारपुर युद्ध में मुगलों के खिलाफ महज 13 साल की उम्र में उन्होंने शमशीर के वो जौहर दिखाए कि उनके पिता गुरु हरगोबिंद ने उनका नाम तेग बहादुर रख दिया। तेग माने तलवार। गुरु तेग बहादुर ने भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर सिख धर्म के विचार फैलाए भी। उनके दर्शन में मुख्य तौर पर निर्भय और निर्बैर रहने की सीख थी, यानी निडर रहना और किसी से बैर नहीं रखना। उन्होंने 15 रागों में 116 शब्द की रचना की, जिन्हें बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित कर लिया। गुरु तेग बहादुर का प्रभाव ऐसा फैला कि इसकी खबर मुगल शासक औरंगजेब तक भी पहुंची। औरंगजेब ने तब गुरु तेग बहादुर को दिल्ली आने का समन किया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली के लिए रवाना भी हुए। उनके साथ भाई मतिदास, भाई सतीदास, भाई दयाल, भाई उदय और भाई जैत भी गए। बीच में उन्होंने भाई उदय और भाई जैत को दिल्ली के लिए जल्दी रवाना कर दिया और गुरु तेग बहादुर बाकी 3 भाइयों के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। आमेर के राजा राम सिंह गुरु तेग बहादुर की मदद के लिए आगे आए। उनका पूरा परिवार लंबे वक्त से सिख गुरुओं पर आस्था रखता आया था। राजा राम सिंह आमेर के राजा जय सिंह के उत्तराधिकारी थे। ये वही राजा जय सिंह हैं जिनके दादा राजा मान सिंह बादशाह अकबर के खासम खास हुआ करते थे। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि गुरु हरकृष्ण दिल्ली में बीमारी से ग्रसित थे। दिल्ली में वो जहाँ रह रहे थे वो राजा राम सिंह का ही बंगला था। आज दिल्ली की उस जगह में गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब स्थित है। बंगला था तो बंगला साहिब। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर पर हो रही कार्रवाई में हस्तक्षेप किया और अपनी दरखास्त पर 2 महीनों तक उन्हें अपने साथ रखा कि सेफ रहेंगे। इस बीच राजा राम सिंह ने औरंगजेब को मनाने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि गुरु तेग बहादुर केवल एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन ये सब ज़्यादा लंबे तक असरदार रहा नहीं। औरंगजेब ने सबसे पहले गुरु के भाइयों को सजा सुना दी। हरिराम गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर की जीवनी लिखी है, उसमें वो लिखते हैं, जल्लाद ने चांदनी चौक में भाई मतिदास को आरे से जिंदा काट दिया। भाई सतीदास को कपास में लपेटकर जिंदा आग लगा दी गई, जबकि भाई दयाल को एक गठरी की तरह बांधकर खौलते तेल में जिंदा डाल दिया गया। तमाशबीनों की एक बहुत बड़ी भीड़ इस नज़ारे की गवाह बनी। ये सब गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने हो रहा था। इस बीच वो लगातार वाहेगुरु का जाप करते रहे। 11 नवंबर को मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भी सजाए मौत सुना दी। ऐसा औरंगजेब ने क्यों किया, लोग इसके अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाला कारण यह है कि औरंगजेब गुरु हरिराय के बड़े बेटे बाबा राम राय को अगला गुरु बनाना चाहते थे। वो बाबा तेग बहादुर के गुरु बनने से नाखुश थे, चाहते थे कि मैं जिसे चाहता हूँ वो सिख धर्म का गुरु बन जाए ताकि मामला कंट्रोल में रहे। लेकिन गुरु तेग बहादुर को मानने वालों की तादाद बहुत विशाल थी, वो उनको जेन्युइन मानते थे। उनकी सेना भी काफ़ी बड़ी और मजबूत थी। औरंगजेब को इसलिए उनसे डर था, जिसकी वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने का हुक्म दिया। बाबा तेग बहादुर की मृत्यु के बाद बाबा जैत सिंह उनका सिर अपने साथ आनंदपुर साहिब लेकर गुरु गोविंद सिंह के पास आए। आनंदपुर में गुरु तेग बहादुर का सिर जिस जगह दफनाया गया वहाँ आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। शीश यानी कि सिर, इसी वजह से शीशगंज नाम आया। इसी नाम का एक गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में भी है। ये वो जगह है जहाँ गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किया गया था, जहाँ हत्या हुई उनकी। आज भी सिख समुदाय के लोग हर 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी नावेद ने और जतिन ने मेरे साथ इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। अब देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।